वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के 2 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। ये मैसेंजिंग ऐप में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसमें कई फीचर्स हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फीचर नहीं आया जो मैसेज को शेड्यूल कर सके, और अभी तक कंपनी इस फीचर पर काम भी नहीं कर रही है। लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं। ये शेड्यूलिंग सबसे ज्यादा बर्थडे विश में काम आ रही है। अक्सर हम अपने दोस्तों या फिर करीबियों को बर्थडे विश करने के लिए रात 12 बजे तक जागते रहते हैं, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। चलिए बेहद आसान भाषा में WhatsApp पर मैसेज शेड्यूल करने का प्रोसेस समझाते हैं। सबसे पहले Android फोन पर आपको कैसे WhatsApp मैसेज शेड्यूल करना है वो समझिए। Google Play Store पर जाकर Skedit ऐप डाउनलोड करें। Skedit को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले इसमें साइन अप करना होगा। साइन इन करने के बाद WhatsApp को सिलेक्ट करें और WhatsApp पर दोबारा टैप करें। अब आपको इसे अपने फोन की सर्विस को एक्सेस करने की मंजूरी देनी होगी। ऐप पर वापस जाएं, जिसे मैसेज भेजना है उसे ऐड करें, मैसेज डालें और आखिर में जिस तारीख और समय पर उसे शेड्यूल करना है उसे डालना होगा। आखिर में आस्क मी बिफोर सेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, आप इसे ऑन कर सकते हैं जिससे आपको शेड्यूल किया गया मैसेज भेजने से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आपने व्हाट्सएप पर मैसेज शेड्यूल कर दिया है, मैसेज अपने आप आपके दोस्त तक ठीक समय पर पहुंच जाएगा। चलिए अब आपको आईफोन पर व्हाट्सएप मैसेज शेड्यूल करने का प्रोसेस समझाते हैं। एप्पल ऐप स्टोर पर शॉर्टकट ऐप को डाउनलोड करें। ऐप के अंदर नीचे दिए गए ऑटोमेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें, फिर दाईं तरफ प्लस चिन्ह को क्लिक करें और क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें। आप अपने ऑटोमेशन को रन करने के लिए दिन और समय को चुनें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद ऐड एक्शन को सेलेक्ट करें और टेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अपना मैसेज डालें और नीचे प्लस चिन्ह पर टैप करें, फिर व्हाट्सएप को सेलेक्ट करें और लिस्ट में सेंड मैसेज वाया व्हाट्सएप ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फिर जिसे भेजना है उसे सेलेक्ट करें और नेक्स्ट पर जाएं। आखिर में डिटेल को चेक करें और डन ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। तो इस तरह से आप आईफोन में भी मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं। वैसे तो आजकल मैसेज शेड्यूल करना काफी आसान हो गया है, चाहे फेसबुक हो, जीमेल हो या कोई भी ऐप, आप आसानी से मैसेज पोस्ट या मेल शेड्यूल कर सकते हैं और उसमें टाइम सेट करने के बाद निश्चित समय में मैसेज अपने आप डिलीवर हो जाता है। लेकिन व्हाट्सएप में अभी तक ये फीचर नहीं है, लेकिन आप हमारे बताए गए तरीके से व्हाट्सएप में भी मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।